हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। तो नई दिल्ली में आयोजित 22वीं जीएसटी परिषद की बैठक में बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं, जीएसटी के नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि रिटर्न दाखिल का समय और नियम में बदलाव किया गया है, प्लस कंपोजिशन स्कीम जो थी जिसकी लिमिट 75 लाख था उसका थ्रेशहोल्ड उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया है। और भी जो रिटर्न दाखिल करने के नियम थे, जैसे अभी क्या था, पहले क्या था कि जो छोटे कारोबारी हैं उनको भी 1 महीने में रिटर्न भरना होता था। तो अभी गवर्नमेंट का कहना है कि जिन भी जो जीएसटी नॉर्मल जिन्होंने जीएसटी लिया हुआ है, तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, वो 3 महीने में एक बार रिटर्न भरेंगे। डिटेल में इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या चीज़ों के रेट घटे हैं। जैसा कि मैं अभी जेटली जी को सुन रहा था तो वो बता रहे थे कि 22 ऐसे वस्तुएं हैं और 5 ऐसी सेवाएं हैं जिन पे हम टैक्स की कटौती कर रहे हैं। तो वो कौन सी सेवाएं और वस्तुएं हैं जिन पे कटौती करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो देखिए, बच्चों के खाने पीने के जो डब्बे होते हैं, जो स्कूल में सप्लाई होते हैं, जिसको हम ICDS भी कहते हैं, वो पहले था 12%, अब उसको घटाकर 5% में रखा गया है। तो जो बच्चों के खाने पीने के डब्बे हैं उनको 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। जैसे आम पापड़ हो गया, खाखरा हो गया, चपाती हो गया, पहले 12% था, अब उसे 5% किया गया है। स्टेशनरी के सामान, जैसे मतलब ये तो होना ही चाहिए था, उसे 28% में रखा गया है। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स होता है, मतलब कोई भी स्टेशनरी के सामान जो बच्चों के पढ़ने के काम आते हैं, उसे 28% में रखा गया था, अभी फिलहाल उसको 18% में करा गया है। अनब्रांडेड आयुर्वेदिक दवाएं, अब पहले 12% में था, अब उसको 5% में रखा गया है। ठीक है, पहले 12 था, अब 5 उसे कर दिया गया है। अनब्रांडेड नमकीन होती है, उसको 5% में रखा गया है, जो पहले 18% या 12% में था, ये नहीं बताया गया, लेकिन जो मैंने देखा 5% में था। हाथ से बने धागों पर पहले 18% लगता था, अब उसे 12% में कर दिया गया है। डीजल इंजन और पानी के इंजन के पुर्जे 28% से घटा के 18% कर दिया गया है। निर्माण उद्योग में काम आने वाले जैसे पत्थर हो गए, ग्रेनाइट को छोड़ के कोटा स्टोन आदि पर टैक्स 18% होगा। सर्विस दाता जिनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, उन्हें इंटर स्टेट सर्विस टैक्स से हटाया गया है। पेपर वेस्ट, रबर वेस्ट और ई कचरे पर टैक्स 12% की जगह अब सिर्फ 5% लगेगा। सर्विस सेक्टर में जॉब वर्क 5% के दायरे में लाए गए हैं, इनमें जरी के काम पर 5% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसपे कम हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भी ऐसी वीडियो जीएसटी के ऊपर देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।